नमस्कार, सभी को राम राम। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं आज बात कर रहा हूँ 25 तारीख को पैदल मार्च प्रदर्शन जो संयुक्त मोर्चे के तहत रखा गया है, उसके तहत मेरी अंतरात्मा और हम सभी की संयुक्त मोर्चे में जो संविदा पद लिए हुए हैं उन सबका अंतर्मन से सबका समर्थन है। वो जितना हो सके उतना उसमें सम्मिलित होना है। उसमें काउंसलर पद का कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, कुछ सफलता मिली नहीं मिली, ये एक चुनौती है। पर संयुक्त मोर्चे में अपनी NHM में जो संगठन के मेहनती लोग जुड़े हुए हैं, संगठन के सभी लोग संविदा पदों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके हम साथ हैं और साथ रहना भी चाहिए। और हमारे जो जीवनदाता ने जी हैं साइकिल मार्च से जयपुर गए हैं, उनकी मेहनत में संयुक्त मोर्चा के या अपने स्वास्थ्य विभाग की जो NHM संविदा कर्मी की जो संगठन है उन्होंने पूरा समर्थन किया था। तो अतः हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम काउंसलर वर्ग सभी सहमति से संयुक्त मोर्चे में समर्थन करें, सम्मिलित होवें और सरकार से संविदा रूल्स 2022 का विरोध दर्ज करवावें। और हम विरोध करते हैं और केडर में अंकित मानदेय से हम पूर्णतः असंतुष्ट हैं। हम रूल्स का भी विरोध करते हैं और मानदेय का भी विरोध करते हैं। अतः हम नहीं चाहते और संविदा पद हमें मिले अब विभाग में नियमित पद। इसके तहत संयुक्त मोर्चा पैदल मार्च प्रदर्शन में 25 तारीख को पूर्ण सहमति से सब सम्मिलित होवें और अपना पूर्णतः उसको समर्थन देवें। अतः मेरा सबसे आग्रह, निवेदन और प्रार्थना है कि जितना हो सके जिस स्तर पर आप सभी उसको समर्थन करें और उनका समर्थन करें और करवाएं और सम्मिलित हो और होवें। इसके तहत हमें आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये दूसरा पहलू है। अतः सरकार के सामने हमारा विरोध दर्ज करवाना ये अंतिम अवसर है। तो जितना हो सके उतना उसमें सम्मिलित होवें और अपना योगदान देवें। धन्यवाद।